आप देख रहे हैं विस्तृत विवरण जो हम प्राप्त होते हैं पूरा विवरण आपको दे दीजिए सर। कौन सा बस इतना हम आपको बता देंगे सर, कौन सा समाज छीन के भागा था वो पिस्टल लेकर? हाँ पिस्टल लेकर। हाँ तो यही इसी जगह पे एनकाउंटर हुआ ना सर? हाँ यही पर हुआ। ये कितनी देर हुई है सर? ये लगभग 7 बजे करीब हुई है। कितनी दूर पेनकाउंटर तो किस तरफ कितनी दूर भागा था? आप देखिए ये विवरण जैसे यहीं पर हम भी मौजूद हैं, जैसे आप भी जानकारी है। हाँ, हमारे एसटीएफ के लोग हैं, जो और लोग हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, यहाँ से गए हुए हैं, हम भी उनसे जानकारी लेकर के कहाँ पर हुई सर, आपने बताया सिविल पुलिस के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। ये जो पचौड़ी साहब जो थे हमारे सिविल पुलिस के थे, थाना अध्यक्ष हैं, जो कि इस पूरी घटना की शुरू से विवेचना कर रहे हैं, उन्हीं की पिस्टल लेकर के भागा था। तो सर और हम जैसे और अपडेट होते हैं हम आपको देते रहेंगे, बस इतना आपको बताएंगे। उस टीम में पचौड़ी जी भी शामिल थे क्या? कानपुर पुलिस की पचौड़ी जी शामिल थे? विवेचक तो रहते हैं, जब रिमांड पर आते हैं जाते हैं तो हमारे जो पचौड़ी साहब है वो भी शामिल थे। सर ये श्योर हो गया कि 22 अपडेट हो गया है? हां सर 22 हो गया ना, ये हो गया। हां हां ये हो गया। एक अपना डॉक्टर से दो सिपाही घायल हैं। हां लोग घायल। इसके अलावा जो बाकी दोनों गाड़ियां थी उनका क्या मूवमेंट था, क्या चीजें पता चली, कैसे क्या हुआ सर? अच्छा इनाम बता दिए, इनाम ₹5 लाख का इनाम था। सभी लोग जानते हैं कि अपना जो इसमें विकास दुबे को 5 लाख का इनाम था और 8 मिनट